निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने थाना मजंग और थाना सिविल लाइन्स लाहौर का दौरा किया। एक लड़के की जानिब से रिश्वत लेने की शिकायत पर कांस्टेबल को गिरफ्तार करा दिया। निगरान वज़ीर आला ने लड़के से ली गई रिश्वत की रकम भी वापस करा दी। सूबाई वज़ीर इत्तला'आत आमिर मीर भी उनके हमराह थे। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं सनो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच से। सुहेल अब्बास, क्या मामलात और निज़ाम था? जी अदील, की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का जो है थाना मजंग और थाना सिविल लाइन्स का दौरा किया गया है और उनके हमराह सूबाई वज़ीर इत्तला'आत आमिर मीर जो थे वो भी मौजूद थे। साइलिन की रिश्वत की शिकायत, दोनों थानों में बुरी हालत, सफाई का नाकिस इंतजाम था, फ्रंट डेस्क में डेस्क जो था वहाँ पर दुरुस्त काम नहीं हो रहा था, अमला जो है वो तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहा, थानों में मौजूद लोगों ने जो है वो दाद रसी ना होने के हवाले से शिकायत की थी। एक लड़की की लड़के की जानिब से जो है वो रिश्वत लेने की शिकायत पर कांस्टेबल जो है वो गिरफ्तार हुआ है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर जो है लड़के से ली गई रिश्वत जो है वो वापस करवाई गई है, जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी की रिश्वत लेने वाले कांस्टेबल के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी दोनों थानों की हालत जार देखकर शदीद बराम हुए हैं। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस को जो है वो 3 रोज के अंदर दोनों जो लाहौर के थाने हैं उनकी बेहतरी लाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने थानों में मौजूद साहिलीन से उनके केसेस बारे भी पूछताछ की और वज़ीर आला ने साहिलीन की फौरी दाद रसी के लिए जो है वो मौके पर ही अकामात सादर फरमाया, जबकि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने हवालात में बंद कैदियों से उनके केसेस के बारे में इस्तफसार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने फ्रंट डेस्क में दर्ज होने वाली दरखास्तों पर कार्रवाई का जायजा भी लिया, बाद दरखास्तों पर मजीद कार्रवाई न होने पर नाराजगी का इजहार किया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने थाने में रोस नामचा भी चेक किया। तो ये मुख्तलिफ मामलात का जायजा लिया गया। बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त और अभी सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात वाकयात यकीन के साथ।